हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। पराठे किसे खाना पसंद नहीं है, सबके फेवरेट होते हैं। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। इसे हम नए तरीके से बनाएंगे, कुछ ट्रिक के साथ, जिससे ये भरते समय फटेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं गोभी के पराठे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोभी ली है। इसको काट कर हमने फूल निकाल लेने हैं इसके। मेरे पास थोड़ी सी ब्रोकली पड़ी थी, मैंने इसे भी इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो पूरी गोभी यूज़ कर सकते हैं। गोभी को अच्छे से साफ़ करके धोकर हमने छन्नी में रख देना है, जिससे उसका पानी निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको छोटा छोटा काट लिया है। गोभी को या तो आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए। इसका पानी हमें नहीं निकालना है। गोभी को हमने एक बाउल में ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अदरक, उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि कई लोग अदरक नहीं खाते हैं या बच्चों के मुंह में जब अदरक आती है पराठे के समय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप इसको ग्रेट कर लें। आप इसमें चाहें तो दो तीन हरी मिर्च भी काट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई हरी मिर्च नहीं खाता है और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो हमने यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली है। इसमें डालेंगे प्याज, खूब सारा हरा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि गोभी पानी छोड़ देगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है एक छोटी चम्मच सूजी। अगर ये पानी छोड़ेगी तो सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। सूजी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और सूजी सिर्फ एक छोटी चम्मच ही डालिए, वो ही काफ़ी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी पराठे की फिलिंग बनकर एकदम तैयार है। अब हम पराठा बनाएंगे। इसके लिए हमने तवा चढ़ा दिया है गैस पर। एक आटे की लोई लेंगे, उसको बेल लेंगे थोड़ा सा, उसके ऊपर रखेंगे गोभी का मसाला और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे, जिससे गोभी बाहर ना निकल जाए। इसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे, नहीं तो गोभी बाहर आ जाएगी। हमारी पराठे वाली लोई बनकर तैयार है। इसको हाथों से अच्छी तरह दबा लेंगे और इसको बेलन पे रखकर थोड़ा सा हाथों को दबाते हुए पराठा बनाएंगे, जैसा कि हम आलू का या फिर किसी भी चीज़ का पराठा बनाते हैं। अब गोभी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। आप कितना भी देर इस मसाले को रख सकते हैं, इस ये पानी भी नहीं छोड़ेगा। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और टिश्यू पेपर से ऑयल को फैला लेंगे, जिससे पराठा तवे पर चिपके ना। अब तवे पर पराठा डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, घी लगाकर, या फिर आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं। पराठा हमारा बनकर एकदम रेडी है। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे, और कोई भी पराठा फटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है। सारे पराठे एकदम खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तो आप भी ट्राई कीजिए गोभी के पराठे की ये रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और भी अच्छी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।